छत्तीसगढ़ के रायपुर में सरकारी अस्पताल की एम्बुलेंस का दरवाजा दो घंटे तक नहीं खुलने के कारण इलाज के लिए आए दो महीने के मासूम बच्चे की मौत। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में किसानों ने सड़कों पर खीरा फेंककर जताया विरोध। किसानों का कहना है कि खीरा 50 पैसे किलो भी नहीं बिकने से उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। पंजाब में लुधियाना के पास गांव तलवाड़ा बूढ़ा दरिया का बांध टूटने से आसपास के इलाकों में पानी में डूब गए हैं, जिससे किसानों का भारी नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर के पंपोर में माँ बाप ने बेटे से घर वापस आने की गुहार लगाई। बताया जा रहा है कि उनका बेटा करीब एक हफ्ते से घर नहीं लौटा है। वायरल वीडियो में माँ बाप कह रहे हैं कि अगर उनसे कोई गलती हो तो उन्हें माफ कर दें और घर लौटाए। बिहार के मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में छुट्टियों के बाद खुलते ही हंगामा मच गया। छात्र फीस कटौती के अलावा अपनी अन्य मांगे लेकर धरने पर बैठ गए। छात्रों ने ओएसडी को बनाया बंधक। राजस्थान के दौसा में स्कूली छात्रों ने प्रिंसिपल पर बेरहमी से मारपीट के आरोप लगाए हैं। सातवीं कक्षा के छात्रों ने गांव के सरपंच से घटिया खाने की शिकायत की, जिससे स्कूल प्रिंसिपल नाराज हो गए। स्कूल पहुंचने पर प्रिंसिपल ने छात्रों को मुर्गा बनाया और पिटाई की। पश्चिम बंगाल की जलपाईगुड़ी में दिव्यांग महिला की बच्चा चोर समझकर बेरहमी से पिटाई कर दी गई। घटना धूपगिरी ब्लॉक की बोराघारिया ग्राम पंचायत की है। हरियाणा के फतेहाबाद में हाईवे पर गाड़ी सवार को नीचे उतारकर थप्पड़ों से पीटने का लाइव वीडियो सामने आया। थाने में शिकायत होने पर पुलिस ने आरोपियों को छोड़ा, कहा दोनों पक्षों की मर्जी से मामला सुलझा। पंजाब के फरीदकोट में होमगार्ड के एक जवान को पेड़ से बांधकर पिटाई किए जाने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक लड़की जवान को बुरी तरह से पीटती नजर आ रही है। जवान नशे में घर में घुसकर महिला से बदतमीजी करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। जवान ने आरोपों को नकारा। गुजरात के राजकोट मोरबी हाईवे पर एक इको कार और ट्रक की अचानक टक्कर हो गई, जिससे इको कार में आग लग गई। आग लगने से ड्राइवर समेत 8 लोगों की मौत हो गई। देहरादून में नाबालिग बच्चों ने खेल खेल में ही नाबालिग 8 साल की बच्ची से रेप किया। बच्चों पर आरोप है कि उन्होंने मोबाइल पर फोन पोर्न फिल्म देखकर बारी बारी से रेप किया। पुलिस ने हिरासत में लिया। यूपी के हापुड़ में एक शख्स पर 9वीं क्लास की छात्रा के साथ उसके घर में घुसकर रेप करने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के रामपुर में 14 साल की एक नाबालिग लड़की से एक अधेड़ उम्र के शख्स पर घर में घुसकर रेप करने के आरोप लगे हैं। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ में एक महिला ने अपने ही प्रेमी पर शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि प्रेमी जोड़े एक कोचिंग सेंटर में सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे थे। लुधियाना में एक उबर टैक्सी ड्राइवर पर लड़की को अगवा करने के आरोप लगे हैं। कार में लड़की और ड्राइवर के बीच टकराव का वीडियो भी वायरल हुआ, जिस पर कार को कुछ लोगों ने रुकवाकर ड्राइवर की जमकर पिटाई की। मेरठ में एक होटल मालिक ने अपने 7 दिन दहाड़े लूट होने का आरोप लगाया है। लूट की घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई, जिसमें कुछ लोग हथियार लहराते हुए मारपीट कर रहे हैं, जबकि पुलिस का कहना है कि मामला लूट का नहीं, आपसी झगड़े का है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।